क्लिक बेट नहीं है दोस्त, गलत मत समझना। बस मेरी ये जो वीडियो है इसको आप देख लेना, मैं रीज़न भी दूंगा और ये जो कन्फ्यूज़न दिमाग में है उसको भी दूर करूंगा। तो कैसे हो आप सब, मैं हूं अमित, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। चलिए दोस्तों, बिना किसी बकचोदी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आज आप लोग यूज़ करते हो वन प्लस, सैमसंग, आईफोन जैसे स्मार्टफोन्स, लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछले बीते हुए कुछ सालों की, तो तब ये स्मार्टफोन्स देखने को नहीं मिलते थे। तब राज था दोस्तों फीचर फोन्स का, ब्लैक एंड वाइट फीचर फोन्स का। और वहाँ पर खासकर जो कंपनी उभर के निकल रही थी वो थी नोकिया, जो कि राज करती थी अपने उस जमाने पे। लेकिन धीरे धीरे जब डिजिटलाइजेशन बढ़ी और बहुत ज़्यादा तरक्की होने लग पड़ी, जनरेशन्स में चेंजेस आना लग पड़ा, और ऐसे ऐसे करते आज हम इस दौर पे हैं कि हमें ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उस समय की अगर मैं बात करूँ तो मुझे आज भी याद है जो मेरे पापा जी का फर्स्ट फीचर फ़ोन था, ब्लैक एंड वाइट नोकिया 1200 उसका नाम था, और उनकी प्राइसिंग उस समय 4000 रुपीज़ थी। और आज आप देख सकते हो कि 4000 में आपको कैसे कैसे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। और हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि यार एक टाइम पे हमारी फिंगरप्रिंट्स के साथ हम फ़ोन को अनलॉक किया करेंगे। हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस देखा करते थे कि यार वाह यार ये तो मतलब सच में ओपन। उस वक्त हमें उतना ज़्यादा पता नहीं था, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा उभर के नहीं आई थी, ज़्यादा लोग इसमें इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। और उस वक्त जो था वो रियर केस ऐसा होता था कि किसी का कोई स्मार्टफोन है जिसमें कुछ इंटरनेट वगैरह चलता था। लेकिन आज आप देख सकते हो कि यार चलते कंपटीशन के कारण, बदलती जनरेशन्स के कारण, बदलते यूसेज के कारण, इस डिजिटलाइजेशन के कारण आज आपको कैसे कैसे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं जिनके लिए आपको उतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यार एक 14-15 हज़ार का स्मार्टफोन इनफ रहता है। मोस्टली ऑफ लोग यही जो रेंज है प्राइस की ये पसंद करते हैं, और यहाँ पर भी वो चाहते हैं कि उन्हें वो सब फीचर्स मिल जाएं। और आज के इस टाइम पे उन्हें वो सब फीचर्स मेरे ख्याल से मिल रहे हैं, लाइक डुअल कैमरा, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, दमदार प्रोसेसर, ज़्यादा रैम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? सो गाइज, एक टाइम था जो स्मार्टफोन्स आजकल हमें 12000 रुपये मिल जाते हैं, जो फीचर आजकल हमें 12000 रुपये में मिल जाते हैं, इनके लिए कभी कभी हमें जो है वो 40-45 हज़ार रुपये भी जो है वो देने पड़ते थे। लेकिन वही बात आ जाती है आईफोन के ऊपर कि अगर आप आज आईफोन ले रहे हो 90000-1 लाख रुपये में, तो आने वाले टाइम पे मेरे से लिख के ले लो कि यही स्मार्टफोन तुम्हें 15-16-17 हज़ार रुपये में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आप सभी लोग जानते हो अगर कोई कंपनी 15000 रुपये में कोई स्नैपड्रैगन 636 देने की कोशिश करती है, तो कोई ऊपर से कंपनी आती है वो 10000 में जो है वो स्नैपड्रैगन 636 या फिर 10000 में हीलियो P60 प्रोसेसर देना शुरू कर देती है। तो बढ़ते इस कंपटीशन के कारण आप साफ साफ ही अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले टाइम पे जो हमें बहुत ही लो सेगमेंट या फिर मिड सेगमेंट में बहुत ही अच्छे खासे स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब यार मुझे एक बात बता देना, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग यार आईफोन वगैरह परचेज करते हैं या सैमसंग S9 वगैरह परचेज करते हैं, आई डोंट थिंक सो, मतलब क्या सोच के लेते हैं एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन आज के इस टाइम पे, अगर आप उसको कंपेयर करते हो किसी मिड रेंज सेगमेंट में लाइक रेडमी नोट 5 प्रो जैसे स्मार्टफोन्स के साथ, तो आई थिंक सो यार कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। और इतना भी मतलब कोई वो नहीं रहता है कि यार आपसे आपको बस एक स्मार्टफोन के साथ फिल्म मेकिंग करनी है या फिर आपको बड़ा ही हार्डकोर गेमर बनना है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता होगा आपके पास। अगर आप एक स्मार्टफोन में गेम्स खेलने के लिए 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हो, तो यार PS4, PS3 बहुत अच्छी ऑप्शन है यार आप लोगों के लिए, आप उनको क्यों नहीं खरीदते हो? लेकिन आई डोंट थिंक सो ये लोगों की वो है कि यार आईफोन दिखाना है दूसरे बंदे को कि हाँ भाई मैंने आईफोन पकड़ा हुआ है। ये तो आप लोगों के पास, क्योंकि भाई आप लोगों के पास पैसे बहुत हैं। लेकिन अगर मैं अपनी सलाह दूँ तो यार आज तक मैंने ना ही तो ज़्यादा स्मार्टफोन्स खरीदे हैं, ना ही मैं आप लोगों को दोस्तों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि यार 12-13-14 हज़ार वाला स्मार्टफोन ही इनफ है यार। क्योंकि एक टाइम पे आके आप उस पर क्या करोगे यार, कॉलिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ये सब। और अगर आप गेमिंग भी करना चाहोगे ना, तो यार 14000 वाला स्मार्टफोन रेडमी नोट 5 प्रो और आपका वन प्लस 6 या फिर आप लगा लो अपना सैमसंग S9 जैसे स्मार्टफोन को रख लो यार, और दोनों में आप खेल लो पबजी जैसी गेम्स या फिर असफोल्ट जैसी गेम। मैं देखता हूँ यार किस में आपको परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब मिलेगी, दोनों की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, दोनों में लैग नहीं होगा, दोनों में आराम से चलेगी। तो बात ये है कि यार इतने पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है। तो डैट्स द रीज़न गाइज, आने वाले टाइम भी आपको वन प्लस
आईफोन, सैमसंग S9 जैसे स्मार्टफोन्स में लिखवा के ले लो, आपको 12-13 हज़ार रुपये में मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। आप सभी लोग जानते हो एक टाइम था जब हमें 400 रुपये का 1 GB मिलता था, आज टाइम है कि यार हमें 200 रुपये में 1 GB पर डे मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो होप सो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको बताना चाहता था, जो मेरी सोच है आप लोगों के लिए, वो आप समझ पाए। वैसे ही वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है तो यार डिसलाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, इस वीडियो सेक्शन में अपने सजेशन दें कि आपकी क्या सोच है इस टॉपिक को लेकर। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।